हेलो गाइस, सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। सो हम बात करेंगे कि अस्थमा होता क्या है एंड हाउ इट इज़ कॉज। सो अस्थमा क्या है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। मेनली अस्थमा होता क्या है, इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर ऑफ एयरवे, या आप कह सकते हो कि ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर है इन द लंग्स। तो कैसा इन्फ्लामेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जब एयरवेज में या क्रॉनिक टाइप का इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी भी लंग्स में या एयरवेज में, उसको हम बोलते हैं अस्थमा, अस्थमा केसेस। और मेनली जो ये इन्फ्लामेशन होता है या अस्थमा होता है, ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन की जब हम बात करेंगे तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स अस्थमा इन्फ्लामेशन। पहला होता है एटॉपिक या अटॉपिक अस्थमा, और जो सेकेंड वाला होता है दैट इज़ नॉन अटॉपिक अस्थमा। अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम उसमें बात करने वाले हैं तो जो अटॉपिक अस्थमा होता है ये किसकी वजह से होता है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा भी हम इसको बोलते हैं, या एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं अगर उसकी वजह से अस्थमा हो तो उसको हम बोलेंगे अटॉपिक, यानी बॉडी के बाहर के जो एलर्जेंस होते हैं उनके कारण अगर अस्थमा हो। अगर हम नॉन अटॉपिक की बात करें तो इट इज़ ऑफ इंट्रिंसिक अस्थमा, इसको हम इंट्रिंसिक अस्थमा भी बोलते हैं। बॉडी के अंदर के एलर्जेंस के कारण अगर कोई अस्थमा हो रहा है तो दैट इज़ इंट्रिंसिक अस्थमा। अब मोस्ट कॉमन जो एलर्जेंस होते हैं ऐसी, अगर हम एटॉपिक की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन होता है, जैसे कि एलर्जेंस डस्ट हो गए, पार्टिकल्स हो गए। और अगर हम नॉन अटॉपिक की बात करें तो इट इज़ नॉट कॉमन, नॉन कॉमन है ये, रेयर होता है ये अस्थमा। सो अगर हम इन दोनों में और डिफरेंस देखें तो कैसे डिफरेंसेस हो सकते हैं। एटॉपिक अस्थमा में जो इन्फ्लामेशन होता है ये मेनली होता किसकी वजह से है, इट इज़ मीडिएटेड बाय सिस्टमिक IgE, ठीक है, यानी कि सिस्टमिक IgE की वजह से एटॉपिक अस्थमा में इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। जो इट इज़ मेनली मीडिएटेड बाय द सिस्टमिक IgE प्रोडक्शन। और अगर हम इंट्रिंसिक अस्थमा की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करने वाले हैं नॉन अटॉपिक अस्थमा के बारे में, तो इट इज़ मीडिएटेड बाय लोकल IgE प्रोडक्शन, यानी कि जो लोकल IgE होती है उसका प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है और उस टाइप की अगर उसकी वजह से कोई इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक अस्थमा। इट इज़ सिस्टमिक एंड इट इज़ बाय लोकल टाइप ऑफ IgE। अब अस्थमा के बारे में हम और बात करेंगे कि सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, और ये जो हम मेनली यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑफ ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकियोल्स का स्ट्रक्चर है जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम जो ल्यूमन का साइजेस है वो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि अगर नॉर्मल हम लंग और एयरवे देखें और अगर हम इन्फ्लाम्ड लंग एयरवे देखें तो वो क्या डिफरेंसेस होंगे। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ल्यूमन है इसका साइज़ बहुत बड़ा है, जो टिश्यू का एरियाज़ हैं, ठीक है, वो जो ल्यूमन का साइज़ है वो बहुत बड़ा है, और यहाँ पर ना ल्यूमन का साइज़ बहुत छोटा हो गया है। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ल्यूमन के साइज़ में बहुत डिफरेंस आ गया है दोनों में ही। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखें यहाँ पे तो टिश्यूज़ जो हैं, ये टिश्यूज़ यहाँ पर जमना स्टार्ट हो गए हैं। आप कह सकते हो कि टिश्यू का जो एरिया है वो साइज़ है वो इनक्रीज़ हो गया है, यानी कि टिश्यूज़ ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से जो एयरवे का पाथ का डायमीटर है वो क्या हो गया है, कम हो गया है बहुत, ये डायमीटर बिल्कुल कम हो गया है, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो इनकी वजह से ही मेनली क्या होता है कि कोई भी इन्फ्लामेशन कॉज होती है और साथ साथ अस्थमा के केसेस आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, किसी भी ब्रोंकियोलिक जो वहाँ पे एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, उसे कम जगह है एयर को पास होने के लिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसके ब्रोंकियोल्स के TS के बारे में, इसको आराम से पढ़ने के लिए ये हमने बात की थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और ये क्या थे, आपके ब्रोंकियोल्स थे जिसको बाद हमने डायग्राम देखा था। अब हम बात करने वाले हैं इसके TS के बारे में, ट्रांसवर्स सेक्शन। सो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं TS में तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इट इज़ अ ब्रोंकियोल्स स्ट्रक्चर या TS ऑफ नॉर्मल पेशेंट, ठीक है। नॉर्मल पेशेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, नॉट ऑफ अस्थमेटिक, नॉर्मल पेशेंट में आप देख रहे हो यहाँ पे कि इसमें क्या कंटेन है, जो ग्रीन कलर में है वो है म्यूकस, उसके बाद आ गई है आपकी यहाँ पर एपिथीलियम सेल। तो जो एपिथीलियम लेयर है वो कैसी है, स्यूडो
स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, ये है आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो ये हो गया एपिथेलियम। उसके बाद आपकी ग्लॉबलेट सेल्स जो होती हैं ये सिक्रीट करती हैं म्यूकस। फिर आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद है आपका लेमिना प्रोपिया। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का भी साइज, लेमिना प्रोपिया में मेनली क्या होते हैं, कुछ मास सेल्स होती हैं, ये जो वाइट वाइट कलर के दिख रहे हैं ये क्या होती हैं आपकी, मेनली दीज आर द मास सेल्स। मास सेल्स आपने पढ़ा है उसमें कि क्या रिलीज़ करती हैं, ये हिस्टामिन प्रोड्यूस करती हैं। फिर उसके बाद हम स्मूथ मसल्स की लेयर देख रहे हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और कार्टिलेजेस हैं इसमें, ग्लैंड्स हो गए, कार्टिलेजेस हो गए, ठीक है। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं, इसके बाद ग्लैंड्स कार्टिलेज हो गए। तो अगर हम इस ब्रोंक्यूल्स के स्ट्रक्चर की या TS की बात कर रहे हैं, तो ये थे नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स का स्ट्रक्चर जिसमें अस्थमा नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर अस्थमेटिक ब्रोंक्यूल की हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा होगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली अबाउट नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स। अब आ जाते हैं आप अस्थमेटिक ब्रोंक्यूल्स के स्ट्रक्चर पे। तो ये था आपका नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स, जिसमें आपने म्यूकस की लेयर यहाँ पे देखी थी कि बहुत छोटी थी, और यहाँ पे क्या हो गया है, ये म्यूकस लेयर बहुत बढ़ गई है, ठीक है, जो म्यूकस का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अगर हम गॉबलेट सेल्स की बात करें यहाँ पर, तो गॉबलेट सेल्स का क्या हो गया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ये आप कह सकते हो कि जो नंबर में गॉबलेट सेल्स थी वो इंक्रीज़ हो गई है। तो जैसे इनका नंबर बढ़ेगा तो इसी से म्यूकस जनरेट होता है, तो ये क्या करेंगी, ज़्यादा नंबर में होगी तो ज़्यादा म्यूकस जनरेट करेंगी, इसी की वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब म्यूकस में क्या हुआ है कि कुछ ईओसिनोफिल्स होती हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ईओसिनोफिल्स होती हैं कुछ म्यूकस में, तो जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एलर्जन की वजह से ये डेवलप होती हैं। जब एलर्जी कॉज होती है तो उस केस में ईओसिनोफिल्स डेवलप होती हैं, या प्रोडक्शन होता है उनका, ठीक है। अब आप बात करोगे अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात आप यहाँ पे करोगे, तो देखो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो थी उसका साइज़ बहुत छोटा था, ठीक है, यहाँ और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो वो थिक हो गई है, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का साइज एज़ कंपेरिजन टू दैट बहुत थिक हो गया है, इट इज़ थिकेंड, ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिख नहीं रहा है, तो इट इज़ थिकेंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि लैमिना प्रोपिया, जो लैमिना प्रोपिया है, ठीक है, उसमें क्या हो गया है कि मास सेल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, या मास सेल्स का जो काउंट है वो इंक्रीज़ हो गया है। पहले वाले केस में हमने देखा था कि मास सेल्स कहीं कहीं पे थी, और यहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट मास सेल्स इंक्रीज़ हो गई हैं। इसमें कुछ टी हेल्पर सेल्स भी बढ़ गए हैं, ठीक है, इसमें कुछ टी हेल्पर सेल्स जैसे मैक्रोफेज लिखा हुआ, या ईओसिनोफिल्स हो गई, तो कुछ ये भी बढ़ गई हैं, टी हेल्पर सेल्स बढ़ गई हैं। ईओसिनोफिल्स ये म्यूकस में भी रहेंगे, और ये कहाँ पर रहेंगे, ये इसमें प्रोपिया, लैमिना प्रोपिया में भी प्रेजेंट है। तो ये जो टी हेल्पर सेल्स हैं ये बढ़ गई हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ईओसिनोफिल्स म्यूकस में भी प्रेजेंट रहेंगे और कुछ लैमिना प्रोपिया में भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, ड्यू टू द एलर्जेंस। और इनके साथ साथ कुछ न्यूट्रोफिल्स भी जनरेट हो जाते हैं, कुछ न्यूट्रोफिल्स भी डेवलप हो जाते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लामेशन, ये इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें, तो आपने पिछले वाले केस में देखा था कि स्मूथ मसल्स जो थी उनका साइज़ क्या था, कि वहाँ पर मेनली देखिए दो ही लेयर थी, एक या दो ही लेयर थी, और यहाँ पर क्या हो गया, 3 to 4 लेयर्स बन गई हैं स्मूथ मसल्स की, यानी कि यहाँ पर क्या हो गई है, हाइपर ट्रॉफी, यानी नंबर ऑफ लेयर्स जो हैं वो स्मूथ मसल्स की क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है। तो ये हमने बात करी थी अबाउट द ब्रोंक्यूल्स, जो अस्थमेटिक ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनका TS कैसे दिखाई देता है एज कंपेरिजन टू द नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स। अब हम बात करेंगे कि मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और इनकी हम मेनली
पूरा ये वर्किंग देखेंगे कि कहाँ पर ये काम करती हैं मांसल्स या म्यूकस, कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आगे हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अस्थमा के बारे में अब हम बात करेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अस्थमा में मेनली मतलब क्या क्या कौन कौन सी ऐसी मेजर रिस्पॉन्सिबल थिंग्स होती हैं। तो फर्स्ट आता है आपका क्या, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो एयर का फ्लो होने का जो जरिया है वो छोटा हो गया है तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। सेकेंड है आपका ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। थर्ड अगर हम बात करें तो इट इज़ इन्फ्लामेशन। ये हो गई आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अस्थमा। अब बात करेंगे कुछ सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं अस्थमा के, तो पहला सिम्टम्स क्या होगा, इट वुड बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि जगह कम हो गई है तो ऑक्सीजन को निकलने के लिए भी जगह कम मिलेगी, तो इट मे बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सेकेंड होगा आपका वीज, वीज का मतलब होता है कि एक विसलिंग साउंड आएगी, सांस लेते हुए या सांस छोड़ते हुए क्या होगा, एक विसलिंग वाली साउंड आएगी, सीटी सी बजती है, ठीक है। थर्ड हो गया आपका चेस्ट टाइटनेस, यानी कि अकड़न सी महसूस होती है, टाइटनेस महसूस होती है चेस्ट में। सो दीज आर द सिम्टम्स, ठीक है। ये सिम्टम्स होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अस्थमा की। अब हम बात करेंगे अबाउट द एनाटॉमी या एजेंट्स जो मेनली पैथोफिजियोलॉजी में अस्थमा के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसमें पहला जो एजेंट है दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल इज IgE एंटीबॉडीज़। IgE एंटीबॉडीज़ होती हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इनके रिस्पॉन्सिबल मतलब इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आगे बात करेंगे इन द पैथोफिजियोलॉजी। तो देयर इज IgE एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट है आपकी मास सेल्स जो फर्दर कंबाइन होती हैं IgE एंटीबॉडीज़ के साथ और मिलके बनाती हैं IgE मास सेल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आती हैं आपकी जो मेन एजेंट है दैट इज़ इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो मेनली एलर्जिक रिएक्शन की वजह से या एलर्जन की वजह से इन्फ्लामेशन कॉज करने के लिए प्रोडक्शन होती है उनकी। नेक्स्ट आते हैं आपके डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं कुछ, ठीक है। सो दीज आर द एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अस्थमा। इसमें जो मेनली फिफ्थ वाला जो एजेंट है दैट इज आपके होती हैं कुछ टी हेल्पर सेल्स। ये होती हैं आपकी कुछ टी हेल्पर सेल्स होती हैं। ये मेनली सेल्स जो होती हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिव होती हैं और इन पे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये एक तरह का मेन रिस्पॉन्सिबल एजेंट है ऑफ अस्थमा, टी हेल्पर सेल्स। ये जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं दो टाइप्स की होती हैं। जो फर्स्ट वाली होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ये इनका कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको बोलते हैं टी हेल्पर फर्स्ट या टी हेल्पर वन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकेंड तो ये हो जाएगी टी हेल्पर सेकेंड या टी हेल्पर टू, ठीक है। अब जो ये टी हेल्पर वन होती है ये मेनली क्या करती है, प्रमोट करती है इन्फ्लामेशन को। ये जो टी हेल्पर्स होती हैं ये प्रमोट करती है इन्फ्लामेशन को। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि टी हेल्पर वन जो है वो प्रमोट करती है इन्फ्लामेशन, प्रमोट इन्फ्लामेशन ऑफ मतलब सेल्स बाय मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो प्रमोट करती है इन्फ्लामेशन को सेल्स के बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये होती है टी हेल्पर वन। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो टी हेल्पर टू, और ये क्या करती है, ये प्रमोट करती है इन्फ्लामेशन को बाय ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये प्रमोट करती है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं उसको बढ़ाती हैं बाय ह्यूमरल इम्यूनिटी, या अगर सिंपल वे में बोले तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन, बाय एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। तो सिंपल वे में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है। अब जो इन दोनों में डिफरेंस होता है ये मेन डिफरेंस होता है, लेकिन अगर हम बात करें टी हेल्पर वन की तो टी हेल्पर वन जो होता है ये मेनली कहाँ पे मिलता है आपको,
तो टी हेल्पर वन जो है ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है या नॉर्मली आपको दिखेगा इन लंग्स। वेयर एज अगर हम टी हेल्पर टू की बात करें तो टी हेल्पर टू होती हैं ये मेनली कहाँ पे दिखती हैं आपको, सिर्फ अस्थमेटिक लंग्स में या जिनको अस्थमा हुआ है उसी में टी हेल्पर टू प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो दीज आर द एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा, जिसमें आईजी एंटीबॉडीज, टी हेल्पर सेल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब हम इनको डीपली पढ़ेंगे इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। सो लेट्स कमिंग अपॉन द पैथोफिजियोलॉजी। पिछले स्ट्रक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि पैथोफिजियोलॉजी के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से स्ट्रक्चर्स थे। उसके बाद हमने देखा था कि ये कुछ एपिथीलियम लेयर थी, ये एपिथीलियम लेयर है जिसमें कुछ प्रेजेंट्स होती हैं गॉबलेट सेल्स। ही हो गई आपकी गॉबलेट सेल्स, फिर उसके बाद एपिथीलियम लेयर, उसी में ही ये गॉबलेट सेल्स ऐसे प्रेजेंट रहती हैं, एक पूरी लेयर बनाती रहती हैं। और एपिथीलियम जो लेयर है वो भी कौन सी होगी, कॉलुमिनार स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, सो इट विल बी ऑफ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एपिथीलियम लेयर। तो इसमें कुछ अगर हम बात करें तो इसमें होती हैं कुछ गॉबलेट सेल्स होती हैं, फिर उसके बाद सो दीज आर द स्ट्रक्चर। इसमें ऊपर आता है ये कुछ लेयर आती है इस तरह की म्यूकस की, तो ये हो गई आपकी म्यूकस लेयर। तो एपिथीलियम कौन सा है, कॉलुमिनार स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम या कॉलुमिनार एपिथीलियम इन शॉर्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे। और ये ऊपर हो गई आपकी म्यूकस की लेयर हो गई। ठीक है, इन कॉमन अगर हम इससे मतलब जुड़ा हुआ मतलब पूरा ये लेयर किससे जुड़ी हुई होती है, इट इज़ ल्यूमन। इसके ऊपर जो अंडरलाइनिंग होता है दैट इज़ ल्यूमन। अब बात करते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप्स के यहाँ पे मेनली क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स के या इनहेल्ड एलर्जन्स होते हैं। अब सपोज अगर हम यहाँ पे एटॉपिक अस्थमा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा, बाहर से बॉडी के बाहर से कुछ एलर्जन्स आएंगे, तो दीज आर इनहेल्ड एलर्जन्स। ये जो मैंने स्टार्स यहाँ पे बनाए हैं, दीज आर इनहेल्ड एलर्जन्स। तो जब ये एलर्जन्स क्या होते हैं कि थ्रू दिस गॉबलेट सेल्स या एपिथीलियम सेल्स को पास करके जब अंदर पहुंच जाते हैं ब्रोंक्योल्स के, तो ये क्या करते हैं, इनको सबसे पहले सामना करना होता है, ये हो गए आपके ब्रोंक्योल्स, तो इनको सामना करना होता है सबसे पहले किसका, डेंड्राइटिक सेल्स का, जो हमने एजेंट में पढ़ा था। तो डेंड्राइटिक सेल्स को क्या करते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं, इनको एक्टिव कर देते हैं डेंड्राइटिक सेल्स को। अब एक्टिव होने से क्या होता है कि ये एनगल्फ करने का काम करती हैं, जस्ट लाइक माइक्रोफेजेस, आप माइक्रोफेजेस में बात करते हो ना कि एनगल्फ करते हैं ये, तो डेंड्राइटिक सेल्स का काम यही होता है। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेज। अब अगर इनहेल्ड एलर्जन्स मेनली इस कॉलमनार एपिथीलियम के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक तरह का एजेंट रिलीज करते हैं, जो हम जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज थाइमिक स्ट्रोमल लिम्फोसाइट, थायमिक स्ट्रोमल लिम्फो साइट। तो ये रिलीज करते हैं ये, और ये थायमिक स्ट्रोमल लिम्फोसाइट क्या करता है मेनली, ये अट्रैक्ट करता है, ये थायमिक स्ट्रोमल लिम्फोसाइट अट्रैक्ट करता है टी हेल्पर टू को, ये टी हेल्पर टू को अट्रैक्ट करने का काम करता है। वेयर एज अगर हम डेंड्राइटिक सेल्स की बात करें, तो डेंड्राइटिक सेल्स जो ये थी जो एक्टिव हो गई थी, ये भी मेनली क्या काम करती हैं, ये भी अट्रैक्ट करती हैं टी हेल्पर टू को। ये भी क्या काम करती हैं, सपोज ये हो गई आपकी क्या, टी हेल्पर सेल्स टू या टी हेल्पर टू सेल्स हो गई, तो ये भी क्या करेंगी कि इस टी हेल्पर टू सेल्स को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं कौन, डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। अभी जो टी हेल्पर टू सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं फर्दर, ये तो हो गया इनका अट्रैक्शन, तो इनको अट्रैक्ट दोनों कर रहे हैं, डेंड्राइटिक सेल्स भी और ये थायमिक स्ट्रोमल लिम्फोसाइट भी। अब जो टी हेल्पर टू सेल्स है इसका फर्दर भी कुछ काम होता है, ये टी हेल्पर टू सेल्स क्या करती हैं, फर्दर स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, ये फर्दर क्या करती हैं, अब सपोज आपके पास यहाँ पे क्या हो गई, ये मास सेल्स होती हैं,
ये मास सेल्स के ऊपर एक इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं जिसको हम बोलेंगे आईजीई, ठीक है। यानी कि हमने जो बात की थी कि मास सेल्स आगे जाके आईजी के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाते हो, सो ये हो गई आईजीई, ये हो गया मास सेल्स, सो दीज आर नोन एज आईजीई मास सेल कॉम्प्लेक्स। तो ये टी हेल्पर लिम्फोसाइट, ये टी हेल्पर टू सेल्स जो होती हैं, ये मास सेल्स को क्या करती हैं, स्टिमुलेट कर देती हैं, ठीक है। ये इसको स्टिमुलेट कर देती हैं फॉर द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ताकि ये मास सेल हिस्टामिन को रिलीज कर सके। अब अगर इससे अलग जो हम थर्ड इसका यूज़ देखें, तो ये क्या करती हैं, ये स्टिमुलेट करती हैं प्लाज्मा सेल्स को। इन्होंने मास सेल्स को स्टिमुलेट करा, लेकिन ये साथ साथ किसको स्टिमुलेट कर रही हैं, प्लाज्मा सेल्स को। अभी प्लाज्मा सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं, क्यों स्टिमुलेट कर दी हैं, ये स्टिमुलेट किया इसने फॉर द प्रोडक्शन, ताकि ये प्रोड्यूस कर सके आईजीई एंटीबॉडीज को। ये प्लाज्मा सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं ताकि वो आईजीई का प्रोडक्शन कर सके, आईजी एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन कर सके। और साथ साथ क्या होता है, इट ये प्रोडक्शन किसके हेल्प से होता है, IL-13 और IL-4, यानी ल्यूकाइन 13 और IL-4, जो मेनली क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं आईजीई प्रोडक्शन को। तो ये IL-13 IL-4 जो है आईजीई के प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं, उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है। अब अगर हम टील ये जो आईजी यही फर्दर जो आईजी होती हैं, जो यहाँ से प्रोड्यूस हुई हैं, ये मास सेल के साथ बना के कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, ठीक है। आगे जाके अब अगर हम टी हेल्पर टू सेल्स की बात करें यहाँ पर, तो इनका एक और काम होता है, ये क्या करती हैं, इंटरल्यूकिन 5 को स्टिमुलेट करती हैं। और ये स्टिमुलेट करने पे क्या होता है कि ये प्रमोट करती हैं इसो या इओसिनोफिल प्रोडक्शन। इनके स्टिमुलेट होने से क्या होता है, इओसिनोफिल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम ये कहाँ से होता है, समझ तो गए होंगे आप, फ्रॉम द बोन्स, या आप कह सकते हो बोन मैरो। तो ये प्रमोट हो जाता है इओसिनोफिल प्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो इसके बाद यहाँ पे इओसिनोफिल्स बनती हैं, ये कहाँ जाती हैं, सीधा आपके कॉलुमिनार एपिथीलियम में, ठीक है। इनको अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, कॉलुमिनार एपिथीलियम, ताकि ये वहाँ जाकर इन्फ्लामेशन कॉज कर सकें। यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द इन्फ्लामेशन। ये इओसिनोफिल्स कॉलुमिनार एपिथीलियम में क्या करती हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं। और ये जो मास सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, ये ही रिलीज करती हैं हिस्टामिन, साथ साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। और इन तीनों के या इनके रिलीज होने की वजह से क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, या आप कह सकते हो स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्शन। जो एयरवेज की स्मूथ मसल्स होती हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो एयरवे का पाथवे था वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज द पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें आपने देखा कि मेनली ल्यूमन म्यूकस आईजी एंटीबॉडीज़ का, टी हेल्पर सेल्स का क्या काम होता है, ठीक है। और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन में मेनली मतलब पैथोफिजियोलॉजी में म्यूकस इंक्रीज हो रहा है, म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज हो गई है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। थैंक यू।